बड़ी खबर से लगातार साड़ी नजर, पंजाब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस ने अपने 61 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता है। विधानसभा चोणों को मद्देनजर रखते हुए कई दिनों तो लगातार मीटिंगों का दौर जारी सी दिल्ली के विच, ते उस तो बाद हुण 61 उम्मीदवारों के नाल पहली लिस्ट के नाल पंजाब कांग्रेस सामने आई है। तो इस खबर के वधेरे जानकारी दे नाल पंकज कपाही लगातार साडे नाल बने हुए हैं दिल्ली तो, जी मीडिया पत्रकार। पंकज, लिस्ट जारी हुई है 61 उम्मीदवारों की, कुछ नाम ने जो बहुत खास इस बार की लिस्ट के देखने वाले ने, तो उन्होंने दो नाम नवजोत कौर सिद्धू ते प्रगट सिंह, इस लिस्ट के दो नाम ने या नहीं? बिल्कुल, पहली लिस्ट में इन्हों का नाम नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है बड़े सोच समझ के उन्होंने पहली लिस्ट जारी की है। बाहरी जे आगू आए हैं वो सीटा जो ने वो पेंडिंग रख दिखाई ने, ना तो जलंधर कैंट की सीट का ऐलान किया गया और ना ही अमृतसर की जितों नवजोत कौर सिद्धू को टिकट देनी है वो सीट का ऐलान किया गया। लेकिन इस लिस्ट की गल की जाए तो पहली लिस्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला अरबन तो पहले कहा जा रहा है वो चोन लड़न, परनीत कौर पहला उसे तो मौजूदा विधायक ने, और इस अलावा बठिंडा से जो चर्चावां चल रही थी कि मनप्रीत सिंह बादल नूं दित्ती जावे या ना दित्ती जावे, मनप्रीत सिंह बादल जो है बठिंडा अरबन तो चोन लड़ते हुए नजर आएंगे। और तीसरा जो बटाला तो कशमोकश बनिया होया सी, अश्विनी शेखरी दी गल्लां चल रही, अश्विनी शेखरी एक बार फिर जो जगह बनाने च कामयाब रहे ने, और दूजे पासे गल की जाए कपूरथला दी तां राणा गुरजीत सिंह नूं उत्थों सीट मिली है जी। तो कांग्रेस इस समय सेफ गेम खेडती हुई भी नजर आ रही है, हालांकि उन्होंने सीटों का ऐलान नहीं किया जिहड़ियां सीटां तो ये बाहर तो आगू उन्हां दी पार्टी दे विच जुड़े सन। बीजेपी तो साबका विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उस तो बाद प्रगट सिंह साबका अकाली विधायक ने उन्होंने वालों रिजाइन किया गया, हाल ही दे विच उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन्होंने सीट तो किसी होर उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं होया, पर उन्होंने भी हुण तक टिकट नहीं मिली है। 61 उम्मीदवार जो ऐलाने गए ने उस दे विच दोनों सीटों का जिक्र नहीं है। पंकज लगातार साडे नाल ने, पंकज 61 उम्मीदवारों के विच होर की कुछ खास पहली लिस्ट दे विच, क्योंकि लगातार यह किया जा रहा है कि 70 नाम फाइनल हो चुके ने, कुछ नाम होर फाइनल होंगे 20 तो 25 के विचाले रेड क्या है, पर इस विचाले पहली लिस्ट आती है पर उस दे विच भी नाम सिर्फ 61 ही ने। पंकज मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है? पंकज नाल एक बार फिर तो राबता कायम करांगे, पर इस विचाले जो लिस्ट साडे कोल पहुंची है मैं उसका एक एक करके जरूर जिक्र कर देवां कि कहड़े कहड़े उम्मीदवार ने जिहड़े इस वारी मैदान दे विच होणगे। कांग्रेस दे वल्लों 61 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस के वलों किया गया, दीनानगर तो अरुणा चौधरी नू मैदान दे विच उतारिया गया, एकादियां तो फतेह जंग सिंह बाजवा, बटाला तो अश्विनी सेखड़ी, श्री हरगोबिंदपुर तो रिजर्व है सीट बलविंदर सिंह लाडी नू मैदान च उतारिया गया, फतेहगढ़ चूड़ियां तो तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा मैदान च होणगे, डेरा बाबा नानक तो सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजा सांसी तो सुखबिंदर सिंह सरकारा, मजिठा तो सुखजिंदर राज सिंह लाली मजिठिया, जलंधर जंडियाला तो सुखविंदर सिंह डैनी नू मैदान दे विच उतारिया गया, उधर अमृतसर वैस्ट तो ए सीट रिजर्व है, इस तो राजकुमार वीरका नू मैदान दे विच उतारिया गया। पंकज एक बार फिर तो साडे नाल जुड़ चुके ने, अगे भी तुहानू दसदे रहांगे किहड़ा किहड़ा उम्मीदवार कांग्रेस दे वल्लों ऐलानिया गया, पहली लिस्ट कांग्रेस दी आई है, 61 उम्मीदवार ऐलाने ने कांग्रेस ने। पंकज जो जिक्र मैं कर रहा सी कि लगातार किया जा रहा है कि 20 तो 25 सिर्फ उम्मीदवार ने जिथे रेड़का बनिया होया है कांग्रेस दी मीटिंगा जिन्हां नू लैके लगातार जारी ने, पर पहली लिस्ट आंदी है उम्मीदवार 61 ही ऐलाने गए, अजिहा क्यों? बिल्कुल गौरव, की कांग्रेस जो है सेफ गेम खेती है क्योंकि बाकी सीटां ते कशमोकश बनी हुई थी। जानकारी ये मिल रही है कि पहला जो सीसी की बैठक हुई थी उस विच चर्चा हुई थी कि बाहरी उम्मीदवारों को टिकट ना दिती जाए, वो पेंडिंग रखी जाए क्योंकि इससे जो है कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि साफ तौर से विरोध का सामना ना करना पवे उही सीटा का ऐलान किया गया, ताकि पंजाब दीआं चोणां तों पहलां कोई जो पार्टी छड्डण दी ना जाए। यही वजह है कि कांग्रेस ने सेफ गेम खेलते हुए 61 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया, और जो बड़े चेहरे ने उन्होंने मैदान च उतारे है, अमृतसर वैस्ट की गल की जाए रिजर्व सीट है डॉक्टर राजकुमार वेरका उतारे है, अमृतसर सेंटर ओम प्रकाश सोनी उतारिया गया, इस अलावा क्योंकि बठिंडा एक लगातार बठिंडा से चर्चावां चल रही कि बठिंडा किनू दिती जाए, उसनू लेके मनप्रीत सिंह बादल जो हाईकमान है उन्होंने उत्थे विश्वास हासिल किया, और खन्ना की गल की जाए तो गुरकीरत सिंह कोटली उन्होंने जगह बना ली है, लेकिन वड्डी गल यह है कि जलंधर कैंट की सीट नहीं ऐलान की गई, अमृतसर जितों नवजोत कौर सिद्धू ने ऐलान
चोन लड़न दी गल चल रही थी उन्हें ऐलान की गई फ्लोर सीट वो हले पेंडिंग से रख दी है। करतारपुर जो है वो पेंडिंग से रख दी है। कई अजिहिया सीटा ने किसी वेट जरूर फसया हो और कांग्रेस दी जो बैठक ने वो हले चलदिया हुई नजर आ गई क्योंकि इस वे भी एक बैठक जो है कांग्रेस विधानसभा चोणां सीट तो उम्मीदवार ऐलाने गए ने। अमृतसर सेंट्रल तो ओम प्रकाश सोनी कांग्रेस के उम्मीदवार होणगे। अटारी तो तरसेम सिंह डीसी होणगे। तरन तारण तो धर्मवीर अग्निहोत्री, पट्टी तो हरमिंदर सिंह गिल, खडूर साहब तो रमनजीत सिंह सिक्की, इन्होंने बेअदबी वाले पूरे मामले तो बाद अस्तीफा दिता सी ते जिमनी चोण भी कांग्रेस ने इन्होंने कहन से बायकॉट किया। कपूरथला तो राणा गुरजीत सिंह होणगे। सुल्तानपुर लोधी तो नवतेज सिंह चीमा होणगे। जलंधर सेंट्रल तो रजिंदर बेरी, मुकेरिया तो रजनीश कुमार, उड़मुड़ तो संगत सिंह गिलजिया, हुशियारपुर तो सुंदर श्याम अरोड़ा, चब्बेवाल तो डॉक्टर राजकुमार होणगे, नवांशहर तो अंगद सैनी, आनंदपुर साहब तो राणा कंवरपाल सिंह नूं मौका दिता गया। उधर गल करिए चमकौर साहब सीट की, तो चमकौर साहब सीट तो जो चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्होंने एक बार फिर तो मैदान च उतारिया गया। मोहाली तो बलबीर सिंह सिद्धू ही उम्मीदवार होणगे। बसी पठाना रिजर्व है सीट, बसी पठाना इस दे उत्ते भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिता गया। गुरप्रीत सिंह जीपी नूं टिकट दी गई है इस विधानसभा हलके तो। फतेहगढ़ साहब तो एक बार फिर तो कुलजीत सिंह नागरा उत्ते पार्टी ने भरोसा जताया। अमलोह तो रणदीप सिंह नाभा मैदान च होणगे। खन्ना तो गुरकीरत सिंह कोटली, लुधियाना सेंट्रल तो सुरेंद्र कुमार डावर मैदान के उतारे गए ने। अमलोह की सीट मैं एक बार फिर तो दस दूँगा, रणदीप सिंह नाभा इस सीट तो होंगे। पंकज लगातार साढ़े नाल ने। पंकज मैं नाल अपने दर्शकों नाम भी दस रहा कि कहड़ी सीट तो किहड़ा उम्मीदवार ऐलानिया गया है, पर इस विचाले एक होर चीज़ इस लिस्ट के नज़र आती है कि जो पहला विधायक चुने गए चाहे वह कोई वड्डा नाम होवे, जिहड़े वख-वख आपां सीटां का जिक्र कर रहे हैं उन्हां उत्ते एक बार फिर तो कांग्रेस भरोसा जताउंदी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि फतेहगढ़ साहब की लईए जिक्र करिए या होर भी कई सीटां का जिक्र करा उत्थों जो पहलां तो विधायक ने उन्हां नूं मौका मुड़ तो दिता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस लगातार सर्वे भी करा रही थी और इस सर्वे के आधार से ही तकरीबन जो एमएलए ने उन्हां दी सीट सीटां दा पहला ऐलान कर दिता गया। खास तौर पर अगर फिरोजपुर की गल की जाए परमिंदर सिंह पिंकी नूं उत्थों थां दित्ती गई है, लेकिन फिरोजपुर रूरल बड़ी घट वोटां तो पिछली बार सरकार कौर जो है चोणां हारी सी, तकरीबन 150 के करीब वोटों तो चोन हारी सी, उससे पार्टी ने एक बार जरूर भरोसा जताया। लेकिन इसके अबोहर की गल की जाए, अबोहर सुनील कुमार जाखड़ जो पुराने सबका जो सीएलपी लीडर भी रहे हैं उन्हां दे पार्टी ने भरोसा जताया। इसके गल की जाए पटियाला शहर की जिथे परनीत कौर मौजूदा जो विधायक ने, लेकिन इस बार क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोन उतरनी है तो मैदान च उन्होंने उतारिया गया इसके, लेकिन कई अजिहिया सीटा भी ने गौरव जिते हले कई मौजूदा विधायक जरूर ने लेकिन उन्होंने सीट पेंडिंग रख दी गई है। जिस तरीके लाल सिंह की सीट हले पेंडिंग रख दी है। कई अजिहिया चार पांच सीटा ने जिते मौजूदा विधायक ने लेकिन उन्होंने सीट पेंडिंग रख दी है, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि उन्होंने परिवारक मैंबर जो है वह चोन लड़ना चाहता है और जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि एक परिवार चो इको शख्स को टिकट दी जाएगी। इस पहली लिस्ट में भी ये चर्चा सी कि शायद उन्होंने उम्मीदवार ना उतारिया जाए कि उस सीट के उत्ते शायद इंपैक्टफुल ना हो, पर इस विचाले उन्होंने मुड़ तो सीट दी गई है। मैं पंकज तुहाडे कोल वापस आऊंगा। इस विचाले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा जी साडे नाल फोन लाइन उत्ते जुड़ चुके ने। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल यही, 61 सीट्स कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया, किस तरह से आप इस अनाउंसमेंट को देखते हैं? लगभग डेढ़ महीने का समा अभी भी है जो उम्मीदवार हैं उनके पास। देखिए, जो 61 उम्मीदवारों की जो सूची कांग्रेस ने जारी की है पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए, उससे सूची से साफ है जो कि कांग्रेस को जो डर था कि जो कांग्रेस पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं अकाली दल से या दूसरे ये कहा जाए राजनीतिक दलों से, उनको टिकट का जो फैसला है
वो इस 61 उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें नहीं लिया गया, उसको अगली सूची के लिए रखा गया है, आगे के लिए रखा गया है। 61 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है उसमें जो कांग्रेस में ये कहा जाए कि लंबे समय से जो और कांग्रेस में जो हैं, कांग्रेस में रहे हैं, उनको उनको ये कहा जाए कि इस सूची में जगह दी गई है, और ये कहा जाए कि 61 उम्मीदवारों की जो सूची है वो उसमें जारी की है। अहम अहम जो नाम, सबसे बड़ा ये कहा जाए कि जो कि कांग्रेस की तरफ से चेहरा फेस पंजाब में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको पटियाला से उतारा गया है। लहरा से राजेंद्र कौल भट्टल है जिनको की टिकट दिया गया है, और काफी लंबे समय से जो है वो वहां से विधायक रही हैं। और एक ये कहा जाए कि बठिंडा शहर जो है, बठिंडा शहर से मनप्रीत सिंह बादल, उनको कांग्रेस ने ये कहा जाए कि टिकट दिया है बठिंडा शहर से। ये बड़ा एक ये कहा जाए कि लंबे समय से इस पर कयास लग रहे थे, और विरोध एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस में भी था कि क्या मनप्रीत सिंह बादल को बठिंडा शहर से उतारा जाएगा कि नहीं, क्योंकि लंबे समय से ये कहा जाए कि बहुत सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब प्रधान बनाया गया और उसके बाद सबसे पहले जो है मनप्रीत सिंह बादल थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ और हाथ थामा, इसीलिए इसका इनाम एक तरफ से ये कहा जाए कि कांग्रेस की तरफ से ना सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह बल्कि कांग्रेस उपप्रधान राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद उनकी कांग्रेस में शामिल होने पे मोहर लगी थी, उसका इनाम उनको मिला है। और उम्मीदवारों की बात की जाए तो फतेहगढ़ साहिब से जो है फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है कुलजीत सिंह नागरा पर। नागरा जो है दोबारा फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, और नेता विपक्ष जो है पंजाब विधानसभा में जो थे चन्नी, उनका नाम भी इस सूची में शामिल किया गया। और ये चरणजीत सिंह चन्नी जो है चमकौर साहिब से जो रिजर्व सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे, और सुनील कुमार जाखड़ अबोहर से पहले उनकी ये कहा जाए कि विधायक है, इस्तीफा दिया था उन्होंने और दोबारा वहां से उनको टिकट दिया गया है। मजीठिया से अगर बात करें क्योंकि अहम सीट है वहां से सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया उनको टिकट दिया गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस द्वारा। और बटाला से अश्वनी सेकरी है, अश्वनी सेकरी को जो है ये कहा जाए कि पुराने कांग्रेसी है और एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। तो ये 61 उम्मीदवारों की जो सूची गौरव जारी की है कांग्रेस ने, उसमें साफ है कि जो लॉयल ये कहा जाए कि पुराने जो कांग्रेसी है और जो पहले विधायक रहे और जिस पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है उन उम्मीदवारों की 61 उम्मीदवारों की सूची जो है 117 में से कांग्रेस ने आज जारी की है। और जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, चाहे अकाली दल से बात करें या फिर दूसरी राजनीतिक दलों से बात करें, उस पर अभी कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि गतिरोध है, और उसको सुलझाने के बाद ही ये आगे जो ये कहा जाए कि उनकी उम्मीदवार पर जो है कांग्रेस फैसला लेगी। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला इस 61 की सूची में, उनको कांग्रेस और ये कहा जाए कि कैप्टन कैसे समझा पाते हैं, कैसे उनको मना पाते हैं, ये उनके लिए एक ये कहा जाए कि बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस को अपना कुनबा पंजाब में 2017 के चुनाव के लिए साथ रखना। जी दिनेश जी, जिस तरह से आप कई सीट्स का जिक्र कर रहे हैं और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनमें नवजोत कौर सिद्धू भी हैं, परगट सिंह भी हैं, सरवन सिंह फिलौर भी हैं, कहीं ना कहीं सेफ गेम भी खेलती हुई इस समय कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बाकी पार्टियों की टिकट का अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद बाकी सुर नजर आए, उसके बाद कांग्रेस देख रही है कि और थोड़ा इलेक्शन के नजदीक जाए उसके बाद ही पूरी टिकटों का ऐलान करें। बिल्कुल गौरव, कुछ दिन पहले की अगर बात करें, ये विरोध जो है ना सिर्फ पार्टी के अंदर पुराने जो कांग्रेस के जो ये कहा जाए कि जिनको टिकट की उम्मीद है, और इस विरोध ना सिर्फ पार्टी के अंदर हुआ था बल्कि दिल्ली में AICC अकबर रोड के बाहर भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे कि अब ये जो नेता कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए, चाहे अकाली दल से हो या फिर दूसरे राजनीतिक दलों से, उनके पोस्टर लगे थे कि कांग्रेस अब इनको जिनका विरोध किया इतने साल, जिनका विरोध जो है कांग्रेस के
कार्यकर्ता करते रहे उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट और मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये विरोध सामने आने के बाद जो है कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर जो है फैसला कांग्रेस बाद में करेगी, उसको ये कहा जाए कि टाल दिया गया, क्योंकि विरोध के स्वर जो है वो मुखर होने लगे और इसके बाद कांग्रेस को ये फैसला लेना पड़ा। अभी सूची जो है ये कहा जाए कि पुराने जिन पर ये कहा जाए कि ट्रस्टेड और ट्राइड जो कांग्रेस की तरफ से है और कांग्रेस लॉयल जो है उनको ही इसमें तरजीह दी गई है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको पटियाला से फिर ये कहा जाए कि पटियाला से फिर वो मैदान में उतरेंगे, और राजेंद्र कौर भट्टल, मनप्रीत सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी, ये बड़े नाम जो है इस सूची में शामिल है जिनको कि कांग्रेस ने एक बार फिर 2017 के चुनावी दंगल में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उतारा है। कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी जंग, जिस तरह से अगर मैं मजीठा हल्के की बात करें वहां पर बहुत क्लोज फाइट हो सकती है या बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और अगर बात की जाए लहरा गागा विधानसभा सीट की, क्योंकि वहां से अब राजेंद्र कौर भट्टल मैदान में है, उधर अकाली दल ने परमिंदर सिंह ढींडसा जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के उनको उतारा हुआ, तो बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी, बठिंडा अर्बन भी उनमें से एक है जो बहुत दिलचस्प और जिसपे बहुत कांटे की टक्कर रह सकती है। दिनेश जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि अगर मजीठा की बात करें तो वहां से अकाली दल ये कहा जाए कि अकाली दल के युवा नेता और ये कहा जाए कि पंजाब के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है मजीठिया, वो वहां से विधायक हैं, और ये कहा जाए कि कांग्रेस की तरफ से लाली मजीठिया जिनको कि पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था उनको कांग्रेस ने इस बार वहां से उतारा है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मजीठा से हाल ही में जो ऐलान किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, आम आदमी पार्टी के संयोजक द्वारा, कि वहां से हिम्मत शेरगिल को उम्मीदवार बनाया गया, तो एक दिलचस्प मुकाबला वहां से देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कि पंजाब के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है मजीठिया, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कड़ी टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होगा वहां पर। और अगर बात करें अभी कुछ और, जैसे ये कहा जाए कि और कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनका कि कांग्रेस को अभी घोषणा करनी है जिन सीटों पर, वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी कई और सीट्स हैं जहां पर कि ये कहा जाए कि मुकाबला दिलचस्प होगा, कड़ा होगा, ये ना सिर्फ अकाली दल के लिए बल्कि ये कहा जाए कि इस पर सबकी नजर रहेगी कि इन सीटों पर जो है मुकाबला जो है एक कहा जाए कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक फाइट जिसको कहेंगी कि वो भी वहां पर देखने को मिलेगी। दिनेश जी, जो लिस्ट जारी हुई है 61 बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर ऑलमोस्ट फाइनल थे नाम की यही जो उम्मीदवार है मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो बाकी की अब सीट्स हैं 117 में से 61 ही उतारे हैं उम्मीदवार कांग्रेस ने, तो अब बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बगावत पिछली बार 2012 के चुनाव में बहुत बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए रही थी और उसे हार का वजह भी बताया गया। बिल्कुल गौरव, जैसा मैंने कहा कि गौरव कांग्रेस के लिए पंजाब में अपने कुनबे को संभाल के रखना, बाकी जो उम्मीदवार ये कहा जाए कि जिनको उम्मीद थी टिकट की उम्मीद थी और उनको टिकट नहीं मिला, उनको अपने साथ रखना, कैप्टन ना सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बल्कि ये कहा जाए कि पार्टी के लिए ये एक चैलेंज होगा, बड़ी ये कहा जाए कि चुनौती होगा। और कांग्रेस अगर अपने कुनबे को वहां पर साथ रख पाती है तो कांग्रेस के लिए ये कहा जाए कि एक जिस तरह से हाल ही में जो पार्टी में नेता शामिल हुए, चाहे अकाली दल से हो, मैं आपको फिर ये दोहरा रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए, और आम आदमी पार्टी से या दूसरे राजनीतिक दलों से हो, तभी जो है कांग्रेस वहां पर अगर अपने कुनबे को साथ रख पाती है, इन उम्मीदवारों को ये जिनको टिकट नहीं मिल पाया उनको अगर
सही ये कहा जाए कि सही से मैदान में चुनाव प्रचार के लिए वो बढ़ चढ़कर जो है वहाँ पर उम्मीदवारों के साथ आते हैं, तभी कांग्रेस वहाँ पर ये कहा जाए कि मजबूत स्थिति में दिखती है। जी शुक्रिया दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी तफसील से जानकारी के लिए। तो 61 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस विचाले असी तुहानू जिहड़े होर नाम ने वह भी दस दिए। गिल विधानसभा जिहड़ा हल्का है उस तो कुलदीप सिंह वैद उतारे गए ने। पायल तो यह भी रिजर्व हल्का है, लखवीर सिंह लखा होणगे। राजकोट तो डॉक्टर अमर सिंह मैदान च होणगे। बाघा पुराणा तो दर्शन सिंह बराड़ते भरोसा जताया गया है कांग्रेस हाईकमांड के वालों। धर्मकोट तो काका सुखजीत सिंह लोहगढ़ मैदान च होणगे। जीरा विधानसभा हल्के तो कुलबीर सिंह जीरा विधानसभा दी सीट दे लई उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस वालों। फिरोजपुर सिटी तो परमिंदर सिंह पिंकी, फिरोजपुर रूरल तो सत्कार कौर, गुरु हट सहाय तो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अबोहर तो सुनील जाखड़, फरीदकोट तो खुशहालदीप सिंह ढिल्लों, रामपुरा फुल तो गुरप्रीत सिंह कंगड़, बठिंडा अर्बन तो मनप्रीत बादल, तलवंडी साबो तो खुशबाज सिंह जटाणा, सरदूलगढ़ तो अजीत इंदर सिंह मोफर। तो विधानसभा हल्कों के नाम ने जितों कांग्रेस ने उम्मीदवार ऐलाने ने। पहली लिस्ट 61 उम्मीदवार।